A very, very good evening to everybody and welcome to my class on the teacher's page of Adda 24/7. I'm Professor Aishwarya Puri और हम discuss कर रहे हैं John Keats की सबसे important poems और आज हम finally पहुंच गए हैं उनकी 6th ode पे, that is Ode on Indolence. तो इससे पहले series में हमने उनकी सारी पुरानी important odes को, सारी 6, मतलब 5 की 5 odes को cover किया है. ये हमारी 6th ode है और इसके साथ हम almost अपने John Keats को जो है wind up कर सकेंगे. कल हमने डिस्कस की थी ओड टू साइकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी, वेरी पॉजिटिव, वेरी फन टू रीड एंड अ वेरी इजी ब्रीजी रीड आल्सो. आई हैड अ ग्रेट टाइम स्टार्टिंग इट. आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा उसको पढ़ के. हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, कैसे हैं सबके सब? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड. हेलो हेलो, हाय एवरीबॉडी. ओके, मैं एक दो डाउट्स लेना चाहती हूँ. शोभन त्यागी का मैसेज आया है, DSSSP का सिलेबस मैम ने कौन सी क्लास में कराया है? DSSSP का बैच अभी लॉन्च होने वाला है. DSSSP का बैच अभी, मतलब वी आर टेकिंग एडमिशंस फॉर इट, वी आर अबाउट टू लॉन्च द बैच. ठीक है, 17 अगस्त से हमने उसका स्टिपुलेटेड डेट रखा है बेसिकली, एंड उसके लिए एडमिशंस ऑलरेडी चल रहे हैं. तो अगर आप DSSSP के बैच में इंटरेस्टेड हैं, द PGT बैच, तो उसके लिए आपको जो है एनरोल करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट से जाके. कोड आपने, डिस्काउंट कोड यूज़ करना है Y542, ये आपको 78% का डिस्काउंट दिला देगा. तो 10,000 का कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 2300 रुपये का. दूसरा इसका तरीका है कि आप हमारा महापैक बाय कर लो. महापैक से आप आने वाले एक साल के लिए सभी कोर्सेज में एनरोल कर पाओगे एट ओनली 3300 रुपीज़. 3300 रुपीज़ में आप एक साल के लिए सारे कोर्सेज के लिए एनरोल्ड हो जाओगे और उसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मिलती है. इसमें टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी आपको, 2300 रुपये में टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी. 3300 वाला कोर्स लोगे तो उसमें टेस्ट सीरीज़ और फ्री ई बुक्स भी मिलेंगी आपको अडा 24/7 की पब्लिकेशन की. ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो. रंजना, इंडियन लिटरेचर मैं कवर कराऊंगी ना. देखिए, जैसे कि फॉर दैट मैटर UP PGT में भी इंडियन राइटर्स हैं, NVS में भी इंडियन राइटर्स हैं, झारखंड में इंडियन राइटर्स हैं. सो इन सब में ऑलरेडी इंडियन राइटर्स आ रहे हैं और पेपर्स में भी हैं फॉर दैट मैटर. तो हमारे सिलेबस में वो मेंशनड है. आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर करा रही हूँ. मैं आपको इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश भी कराऊंगी. इन पेपर्स में अमेरिकन राइटिंग भी है तो मैं अमेरिकन राइटर्स भी कवर कराऊंगी. ठीक है, और जहाँ तक बात है DSSP के लिए पर्टिकुलरली, बिल्कुल ठीक बात है. मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी इसके ऊपर. DSSP का सिलेबस इन सब सिलेबसेस से अलग है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है PG लेवल का सब कुछ. तो ये जो PG लेवल का सब कुछ है, ये तो UGC नेट का सिलेबस हो गया. तो हमें उस लेवल की तैयारी करनी है, उसमें उसके पेपर, उसके क्वेश्चन उस लेवल के आ रहे हैं तो उसकी तैयारी उस अकॉर्डिंग चलेगी. ठीक है ना, तो आप लोगों ने, जो लोगों ने अभी तक DSSP के बारे में कमेंट्स में स्ट्रेस शो करने से अच्छा है टेक एन एक्शन. ठीक है, मैं कमेंट में आपका स्ट्रेस समझ पा रही हूँ. मैं, आई एम लुकिंग एट द कमेंट एंड आई एम सीइंग कि आई फील योर स्ट्रेस थ्रू द कमेंट्स. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इतना स्ट्रेस मत लो इस बात का. मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मेरी क्लासेस में मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाई कराना, मेरी जिम्मेदारी है आपको मटीरियल सप्लाई करवाना. आप स्ट्रेस मत लो वहाँ उस चीज़ का. ठीक है ना, सो यू हैव टू डू दैट. ओके, एंड जहाँ तक इग्नू की बात है, कोई इग्नू का पूछ रहा है, रंजना बिल्कुल इग्नू की बुक्स बहुत हेल्पफुल है. इग्नू का सिलेबस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको हेल्प करता है स्टडी करने में, पर वो आपका कंप्लीट सिलेबस डिफाइन नहीं करेगा. ऐसा नहीं है कि इग्नू में जो बुक्स आ रही है सिर्फ उसी में से पेपर्स आ रहे हैं. हाँ, इग्नू के सिलेबस में जो मेंशन है वो चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट ज़रूर हैं, लेकिन क्या सिर्फ उसको पढ़ के पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है. पढ़ाई आपको सारी की सारी करनी पड़ेगी. ठीक है मैम, आई एम फ्रॉम झारखंड एंड बिल्कुल अंजलि, झारखंड का नया बैच लॉन्च होने वाला है, इसलिए पिछले 2-3 दिनों में जितने लोगों ने कोर्सेज बाय किए हैं, मैंने उन सबको रेकमेंड किया है कि आप महापैक ले लो, क्योंकि महापैक लेने से आप कोई भी पेपर आएगा आप उस सबके लिए ऑटोमेटिकली एनरोल कर पाओगे. है ना, आगे KVS की वैकेंसीज भी एक्सपेक्टेड है. आप झारखंड से हो तो आपको झारखंड PGT के लिए अप्लाई करना ही चाहिए, नो मैटर वॉट. अच्छी खासी सीट्स आई हुई हैं. मेरे हिसाब से आपको महापैक ले लेना चाहिए. वैसे तो जब बैच लॉन्च होगा तो इंडिविजुअली भी वो हो जाएगा, पर मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ यार, 2300 रुपये में तुम्हें सिर्फ एक कोर्स मिल रहा है 6 महीने के लिए. 3300 रुपये में तुम्हें एक साल के लिए कोर्स मिल रहा है, ना कि सिर्फ वो बल्कि सारे के सारे, और हर सब्जेक्ट में. तो तुम्हारे घर में कोई और इंसान है जो मैथ्स के लिए पढ़ना चाहता है, वो भी तुम्हारी ID लेके मैथ्स के कोर्सेज अवेल कर सकता है. उसके बाद तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, तुम्हें फ्री ई बुक्स भी मिल रही हैं. है ना, तो 1000 रुपये ज़्यादा देके इतनी सारी फैसिलिटीज़ लेना बेटर है या नहीं है, ये एक स्मार्ट डिसीजन है.
और पिछले 4-5 दिनों में जितने लोगों ने मेरा बैच बाय किया है 90% लोगों ने महापैक ही बाय किया है. ये एक समझदार डिसीजन है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट. हाँ जी. नहीं नहीं ऐसा नहीं है सागर. महापैक पता है क्या होता है, महापैक है जैसे आपका ये टाटा स्काई लगा लेते हो, आप डीटी डिश लगा लेते हो, उससे क्या होता है वो एक राउटर है आपके पास. महापैक का सब्सक्रिप्शन लेना, एक आपके पास एक राउटर आ गया. अब आपके पास जैसे टाटा स्काई लगा के डीटी डिश लगाकर आप दुनिया, आप जितने भी उस पर चैनल्स हैं आप वो सब अवेल कर सकते हो ना. सिमिलरली महापैक से आप सारे चैनल्स अवेल कर सकते हो, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स में हैं उन सबको अवेल कर सकते हो. आपको बस टाइमिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि 12 से 1 बजे ये वाला बैच हो रहा है, 1 से 2 बजे ये वाली मैम का ये वाला बैच है. ठीक है ना, बस वो टाइमिंग का पता होना चाहिए, दैट्स ऑल. ठीक है, ये मेरा सजेशन है आपको. मैम आज इंग्लिश की पेड की क्लास नहीं, नहीं कोमल आज नहीं थी क्योंकि मेरी वो पेड क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं. ठीक है, ओके चलो. आई थिंक आई लुक एट ऑल द डाउट्स. क्लास शुरू करते हैं आज की. मेरी जो क्लास है ये जॉन कीट्स की जो फेमस हमारी ये ओड है, ओड फिफ्थ एंड फाइनल ओड है ये हमारी, ओड टू इंडोलेंस. पहले मैं आपको इंडोलेंस वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ. इंडोलेंस वर्ड का आपको क्या समझ है फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो. इंडोलेंस वर्ड का मीनिंग होता है लेथार्जी, सुस्ती कहते हैं जिसको. इस मौसम में गर्मी की दोपहरों में जो सुस्ती आती है ना उसको कहते हैं इंडोलेंस. ठीक है, इंडोलेंस इज बेसिकली इट. वैसे नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में आपने इसको रिलेट किया विद द वर्ड लेथार्जी या फिर सुस्ती, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन बाइबल के साथ भी है क्योंकि बाइबल में जो 7 डेडली सिंस मेंशन है उसमें से एक डेडली सिन है स्लॉथ. तो स्लॉथ वाले उस डेडली सिन के साथ आप इस इंडोलेंस को कोरिलेट करके समझ सकते हो. जॉन कीट्स इस पोयम में जो है अपनी सुस्ती को ट्रिब्यूट दे रहे हैं नवे, और ये सुस्ती ये जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन की वैल्यू है कहीं ना कहीं वो उसको समझ रहे हैं. बिकॉज इन ये पोयम जब उन्होंने लिखी थी उस पीरियड में वो ऑलरेडी जो अपनी 5 ग्रेट ओड्स हैं, आप लोगों को अगर याद हो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 ऑटम को छोड़ के बाकी जो 5 ओड्स हैं वो उन्होंने स्प्रिंग में लिख ली थी. उन 5ों में से जो सबसे लास्ट उन्होंने लिखी है वो ये वाली ओड लिखी है, ओड टू इंडोलेंस. तो उस पीरियड में जब उन्होंने 4 ओड्स लिख ली थी उसके बाद वो अपने कुछ फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व थे, कुछ मॉनिटरी मैटर्स उनके चल रहे थे जिसमें वो इन्वॉल्व थे, बिजी थे, फैमिली इनहेरिटेंस का सारा इशू चल रहा था. तो उसके बाद उन्होंने अर्ली समर्स में जाके ओड टू इंडोलेंस लिखी, और उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे उन 4 ओड्स को लिख के इतना प्लेजर नहीं महसूस हुआ, इतना रिलीफ नहीं महसूस हुआ जितना इस पोयम को लिख के हुआ है. ठीक है, तो इस पोयम में जो है वो अपनी लेथार्जी, अपने स्लॉथ, अपनी ये जो एक ईजी को लकी वाइब है वो उसको इन अ वे ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं बाय द वर्च्यू ऑफ 3 मिस्टिकल कैरेक्टर्स. द फर्स्ट इज लव, द सेकंड इज एम्बिशन, एंड द थर्ड इज पोइजी. पोइजी का मतलब पोइट्री. ठीक है, तो इस पोयम में ये 3 फिगर्स आती हैं और इसके थ्रू जो है वो पोइट्री, आर्ट, आर्टिस्टिक क्रिएशन, पोइटिक क्रिएशन जैसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज को जो है अपना एड्रेस दे रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज दैट. तो पोयम को अब हम शुरू करेंगे. पोयम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज लर्न कर लो. जब मैं अपनी क्लास में स्टूडियो में पढ़ा रही होती हूँ तो मेरे हाथ में पेन वगैरह होता है, तो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ. अभी पेन नहीं है मेरे पास, तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में सब लोगों ने जो है कॉमेंट्स में इन कीवर्ड्स को लिखते रहना है. जैसे आप लोग अभी लिख रहे हो बिल्कुल वैसे ही आपने कमेंट सेक्शन में कीवर्ड्स को लिखते रहना है ताकि आप लोग जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहो, और मुझे इस बात की गारंटी रहे कि आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है. ओड टू इंडोलेंस जो है ये 6 स्टैंजास में लिखी गई है. ठीक है, ऑफ 10 लाइन्स ईच. ठीक है, तो इसमें टोटल 60 लाइन्स हैं. सारी ही सारी लाइन्स मोर और लेस आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो कर रही है, कुछ कुछ लाइन्स में आयम्बिक टेट्रामीटर है. तो हम कह सकते हैं ये पोयम जो है नॉन स्ट्रिक्टली आयम्बिक पेंटामीटर है, यानी मेजॉरिटी लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर है, कुछ लाइन्स ऊपर नीचे हो जाती हैं. उसके अलावा ये वाली जो पोयम है इसका जो राइमिंग स्कीम है इसके एक स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं, तो जो फर्स्ट की 4 लाइन्स हैं उसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी, जिसको कि कहते हैं शेक्सपीरियन पोएट्री. और जो लास्ट की जो 6 लाइन्स हैं वो है सी डी ई सी डी ई,
जिसको कि कहते हैं मिल्टोनिक सेस्टेट। इसीलिए इस पोयम को हम कह सकते हैं, इसका ईच स्टैंजा इज डिवाइडेड इनटू, इट इज अ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेक्सपियरियन क्वार्टरेन फॉलोड बाय अ मिल्टोनिक सेस्टेट। उनकी जितनी भी ग्रेट ओड्स हैं, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, टू ऑटम, वो जनरली इसी स्टैंजा फॉर्म में इन्होंने लिखी हैं। कल हमने जो पोयम की थी ओड टू साइकी, आपको मैंने बताया था, आपको याद हो तो, सबसे ज्यादा लूजली रिटन पोयम है उनकी। तीन स्टैंजाज हैं, तीनों की तीनों स्टैंजाज अलग अलग वेरीड लेंथ के हैं, हर लाइन में अलग एक मेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कोई स्टैंडर्ड मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो रहा पोयम में। इस वाली पोयम में मोर और लेस जो है आयम्बिक पेंटामीटर है और शेक्सपियरियन क्वाट्रेन के बाद मिल्टोनिक सेस्टेट है। तो इसकी एक स्टैंजा का कंप्लीट लाइन स्कीम क्या बनी, ए बी ए बी सी डी ई सी डी ई। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको जितनी छह ये इनकी ओड्स कराई हैं, आप अपना नोट डाउन कर सकते हो, आप अलग से नोट्स बना सकते हो इसमें से कि किस किस पोयम में ये ए बी सी डी ई वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, चलो अब इसके साथ हम अपनी पोयम को बिगिन करते हैं। ये पोयम जो है, इस पोयम में हमें एक बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये कि जो जॉन कीट्स हैं इस वक्त बेसिकली एक आफ्टरनून में एक आफ्टरनून नैप ले रहे हैं। ठीक है, ही इज टेकिंग अ कंफर्टेबल नैप एंड ही इज हैविंग ड्रीम्स। तो उसमें से एक ड्रीम एकदम से उनके सामने आ जाता है, तो वो हमें उसके बारे में बता रहे हैं। दे टॉयल नॉट नाइदर डू दे स्पिन, वन मॉर्न बिफोर मी वर थ्री फिगर्स सीन। तो वो कह रहे हैं एकदम से मेरे सपने में, ठीक है, तीन फिगर्स आती हैं और वो फिगर्स जो हैं वो किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रही हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर स्टैंडिंग स्टिल विद बोथ नेक्स एंड जॉइंट हैंड्स साइड फेस्ड। तो उनका जो फेस है वो मेरी तरफ नहीं है, उनका साइड प्रोफाइल मेरी तरफ है, यानी वो साइडवेज देख रही हैं। आई कांट सी देयर फ्रंट साइड, आई कैन सी देम फ्रॉम द साइड। एंड वन बिहाइंड द अदर स्टेप सीरीन, ठीक है, तो वो एक दूसरे के मतलब एक एक स्टेप आगे खड़ी है, तो मतलब वो तीनों को क्लियरली देख सकते हैं, एक यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, एक उससे आगे खड़ी है, तो तीनों ही साइड प्रोफाइल में है और एक दूसरे से एक एक स्टेप आगे खड़ी हैं, सो दैट जॉन कीट्स कैन क्लियरली सी कि वो किसको देख रहे हैं। इन प्लासिड सैंडल्स एंड इन वाइट रोब्स ग्रेस्ड, ये जो सैंडल्स का होना और वाइट रोब्स का होना, ये बहुत क्लियरली डिनोट कर रहा है कि ये जो तीनों फिगर्स हैं इनका जो आउटर अपियरेंस है वो ग्रीक है। ठीक है, क्योंकि एंशियंट जो ग्रीक सोसाइटी थी, जिस पीरियड ये ग्रेट ऑगस्टिन रूलर थे, जूलियस सीजर थे, उस टाइम पे ये ओपन सैंडल्स पहनने का, ठीक है, और ये वाइट रोब्स पहनने का कल्चर था। सो इस फिजिकल डिस्क्रिप्शन से क्लियर है कि ये तीनों जो फिगर्स हैं हमारे पास, ये कोई ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं या फिर ग्रीक फिगर्स हैं। ओके, आई होप आप लोग साथ साथ कमेंट्स लिख रहे हो यहाँ पे, आई होप आप लोग साथ साथ। गीता जरूर, थोड़ी सी क्लासेस का टाइटल आगे पीछे वो हो गया था, उसमें बेसिकली ये हुआ था कि कुछ क्लास का टाइमिंग आगे पीछे हो गया था, ये दिक्कत आई थी, मैं जरूर इसको एक बार चेक करा लूंगी। ठीक है, श्योर, हाँ जी, आई होप आप लोग कीवर्ड्स लिख रहे हो साइड बाय साइड। ओके ग्रेट, सो वो कह रहे हैं दे पास लाइक फिगर्स ऑन अ मार्बल अर्न व्हेन शिफ्टेड राउंड टू सी दी अदर साइड। तो कह रहे हैं मैंने अपने सपने में ही उनको देखने की कोशिश की, पर फिर वो घूम गए, जैसे कि एक मार्बल अर्न के ऊपर की फिगर्स घूम जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो पोयम है, ये पोयम को आपने कोरिलेट करके चलना है विद ओड ऑन अ ग्रीजियन अर्न, बिकॉज ओड ऑन अ ग्रीजियन अर्न में भी उनके हाथ में एक ग्रीक अर्न है और वो उसके ऊपर की मार्बल एनग्रेविंग्स को स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। इस पोयम में वो अपने ड्रीम में ये तीन फिगर्स को देख रहे हैं, लेडन इन ग्रीक क्लोथ्स, इन ग्रीक अपियरेंस। सो इट वी कैन अज्यूम इन अ वे दैट ये जो तीनों फिगर्स हैं, ये भी उसी तरीके की मार्बल इनग्रेविंग्स हैं जैसे एंशियंट ग्रीक अर्न पे थी, राइट? एंड मैं आपको बता दूं, ओड ऑन अ ग्रीजियन अर्न, इनफैक्ट जब उन्होंने लिखी भी थी तो वो वाली पोएम जो है, उनका जो एक्सपीरियंस है विद एल्जिन मार्बल्स, एल्जिन मार्बल्स की पिक्चर मैंने कल दिखाई भी थी मेरे स्टूडेंट्स को, बिकॉज हम जॉन कीट्स कवर कर रहे हैं मेरे पेड बैच में, तो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स को मैंने एल्जिन मार्बल्स की फोटो भी दिखाई थी कि इस तरीके से होते थे एल्जिन मार्बल्स, उससे इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ओड ऑन अ ग्रीजियन अर्न लिखी थी। तो ये वाली जो पोयम है, इसमें भी उन एल्जिन मार्बल्स की मेमोरी की रिमेम्बरेंस है,
साथ ही साथ जॉन कीट्स उस टाइम पे हेडन नाम के उनके एक फ्रेंड थे जो आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, तो उनको उनके साथ जो उन वो घूमे फिरे और उन्होंने जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स की जो नॉलेज गेन की वो सब नॉलेज कंबाइन हो गई, उनकी ड्रीम में आ गई है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वो इन्वोक कर रहे हैं एक ग्रीजियन अर्न को और उसके ऊपर की एनग्रेविंग्स को. तो वो कह रहे हैं जब मैंने उनको देखने की अच्छे से कोशिश की, उनके चेहरे को देखने की कोशिश की, उस सीन को स्पिन करने की कोशिश की, तो ये तीनों फिगर्स भी ऐसे स्पिन हो गई जैसे कि एक एंशियंट ग्रीक अर्न की एनग्रेविंग स्पिन हो जाती है. व्हेन शिफ्टेड राउंड टू सी द अदर साइड दे केम अगेन एज व्हेन द अर्न वंस मोर इज शिफ्टेड राउंड द फर्स्ट सीन शेड्स रिटर्न. ठीक है, तो क्योंकि एक चीज जो राउंड होती है, जो चीज स्फेरिकल है, इट हैज नो बिगनिंग नो एंड. आप अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे और आप उसको 360 डिग्री का टर्न लोगे, आप वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे, है ना. एक सर्कल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका एंडिंग पॉइंट होता है, उसका एंडिंग पॉइंट ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो वो कह रहे हैं जैसे एक अर्न के स्फेरिकल स्ट्रक्चर को आप रोटेट करते हो तो जहां आपने शुरू किया वहीं खत्म हो जाते हो आफ्टर अ 360 डिग्री टर्न. सिमिलरली मेरे ड्रीम में भी जो मैंने ये थ्री फिगर्स को देखा है, मैंने इनको जब टर्न करके इनको देखने की कोशिश की तो मैं घूम के वहीं वापस आ गया जहां से मैंने शुरू किया था. And they were strange to me, as may be tied with vases to one deep in Phidian lore. Phidia basically एक बहुत ही famous ancient Greek sculptor था. वो बहुत ही famous sculptures बनाते थे. तो वो कह रहे हैं Keats कि क्योंकि मेरी knowledge आजकल sculptures में काफ़ी बढ़ गई है, मैं Phidian sculptures को study कर रहा हूँ, analyze कर रहा हूँ, उनको देख के आता हूँ, तो शायद मेरे दिमाग में इतना कुछ घुस गया है ऑफ दीज ग्रीक स्कल्पचर्स कि मेरे सपनों में भी अब जो है ये आने लग गए हैं. ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेती हूँ ताकि तस्मिया बिल्कुल स्टूडियो में ऑब्वियसली मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, मेरी भी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है बिल्कुल, बट डोंट यू थिंक आई ऑल्सो डिजर्व अ ब्रेक. मतलब जितने भी लोग अपने घर पे रह रहे हैं आपको क्या लगता है, डोंट यू थिंक आई ऑल्सो डिजर्व अ ब्रेक, स्पेंड सम फेस्टिवल टाइम, फेस्टिविटीज टाइम विद माई फैमिली. एंड अपने ब्रेक पे भी देखिए, आई एम टेकिंग अ क्लास, मैं पढ़ा रही हूँ आपको फिर भी, घर से भी पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो वी ऑल डिजर्व अ ब्रेक. तो कोई बात नहीं ना, महीने में अगर एक दो दिन मैं स्टूडियो में ना भी पढ़ाऊँ, एटलीस्ट आई एम हियर विद माई क्लासेज एंड आई एम टीचिंग. आई थिंक दैट इज वॉट रियली मैटर्स, है ना. मैम आप परचेज बैच में रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती है? नाजरीन मैं आपको बता दूँ, मैं सबके मैसेजेस देखती हूँ, मैं सबको रिस्पॉन्ड करती हूँ. इट्स जस्ट दैट वेन देर आर 300-400 पीपल इन अ क्लास, What I do in that case is, most of the people, they are only asking for पुराने handouts, maximum people. और उन सब लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब होता है कि पुराने handouts जो हैं आपको recorded classes के साथ मिलेंगे, आप वहाँ लीजिए. जो भी doubts मैं on spot answer कर सकती हूँ regarding questions from what we are studying, वो मैं साथ के साथ आंसर कर देती हूँ. जिसका मुझे मतलब नहीं पता होता वो मैं फोटो खींच के ले जाती हूँ, फिर मैं बाद में आके रीड करके उसको आंसर उसका बता देती हूँ. ठीक है, फिर भी अगर उतने सारे क्वेश्चंस में से किसी एक का मिस हो गया, सो आई एम रियली सॉरी, नथिंग इज इंटेंशनल, जस्ट अ बेसिक ह्यूमन एरर. आप अपना डाउट पूछ लिया कीजिए, एक दो बार मुझे रिपीट करके बता दिया कीजिए, मैं आपके मैसेज को जरूर देखा करूँगी. ठीक है, रश्मि रोब्स का मतलब होता है जो कपड़े ये लोग पहनते हैं. ठीक है, रोब्स आर बेसिकली ये जो चोगा कहते हैं हिंदी में जिसको, ठीक है, एक चोगा होता है बेसिकली, बड़ा कपड़ा होता है, उसको आप अपने ऊपर कवर करते हो, उसको पकड़ के रखने के लिए आप अपनी कमर पे एक बेल्ट बांधते हो, तो चोगे को रोब कहते हैं. ठीक है, हाँ जी नाजरी, चैट डिसेबल इसलिए होती है बेटा क्योंकि ना जब चैट इनेबल्ड होती है तो लोग एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं. मैं 2 मिनट पढ़ा के जब वापस स्क्रीन पे देखती हूँ तो पढ़ाई की बजाय और रैंडम टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू हुए होते हैं. वो 2 लोगों की 10 लोगों की डिस्कशन की वजह से क्लास के 200-300 लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब हो रही होती हूँ, लेकिन हम में से कोई यहाँ डिस्टर्ब होने नहीं आया, सब पढ़ाई करने आए, है ना. जिस दिन मुझे लगेगा सब लोगों के अंदर एक लेवल में इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी कि वो रैंडम डिस्कशंस करने की बजाय पढ़ाई करेंगे या जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करेंगे, उस दिन शायद हम लोग चैट को इनेबल करने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं. ठीक है, है ना, हाँ जी. नाजरीन चैट डिसेबल्ड होता है नॉट बिकॉज मैं आपका मैसेज ना देख सकूं, चैट डिसेबल का मतलब मैं आपका मैसेज देख सकती हूँ, लेकिन एक इंसान दूसरे का मैसेज नहीं देख सकता है, बिकॉज पीपल इंडल्ज इन वेरी सिली कॉन्वर्जेशन एंड दैट इज अ डिस्टर्बेंस टू द होल ऑफ द क्लास. ठीक है ना, ये होता है क्लास में. और मैं पहला बैच नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इससे पहले मैं इसी फील्ड में रह चुकी हूँ उससे 2 साल पहले भी,
और मैं इसी फील्ड में वापस आई हूँ. दिस इज नॉट द फर्स्ट बैच दैट आई एम टीचिंग. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. आप ही का टाइम वेस्ट होगा कल को अगर चैट इनेबल हो गई है फिर बताना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है. झारखंड के पीजीटी के लिए अमर्त्या मैंने 2-3 क्लासेस ली हैं. आप इनफैक्ट अमर्त्या यू कैन टाइप ऐश्वर्यापुरी झारखंड पीजीटी इंग्लिश, आपको मेरी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सिलेबस की डिस्कशन की है, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, चलो अब ठीक है, अब बहुत आई थिंक डाउट्स आंसर हो गए हैं, अब क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, चलो अब जो पढ़ रहे थे उसको शुरू करते हैं वापस. हाँ जी, नेक्स्ट स्टैंजा में वो बोलते हैं, हाउ इज इट शैडोज दैट आई न्यू ये नॉट. तो अब इस फर्स्ट इस सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में जॉन कीट्स डायरेक्टली उन 3 फिगर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसा कैसे है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने इतने सारे ग्रीजियन अर्न्स को स्टडी किया है, मैंने इतने सारे ग्रीक स्कल्पचर्स को स्टडी किया है, पेंटिंग्स को स्टडी किया है, मैंने तुम्हें तो आज तक उन स्कल्पचर्स पे कभी नहीं देखा. हाउ कम ये मफल्ड इन सो हश अ मास्क, तुम कहाँ से छुपके मेरे पास आ गई हो, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ पढ़ा है, देखा है, समझा है, तुम्हें तो इससे पहले कभी नहीं देखा, तुम कहाँ से छुपके आ गई हो अपने अपने ऊपर ये मास्क लगा के, मतलब तुम लोग ये छुपे छुपे कहाँ से आ गए हो, मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है. वॉज इट अ साइलेंट डीप डिस्गाइज प्लॉट टू स्टील अवे एंड लीव विदाउट अ टास्क माई आइडल डेज, कहीं तुम यहाँ पे मेरा मुझे और नींद में डुबाने तो नहीं आई हो, कहीं तुम ये तो नहीं करना चाहती कि तुम्हारी वजह से मैं ऐसे ही सपनों में खोया रहूं और मैं काम ना कर सकूं, मैं लिख ना सकूं, मैं अपने आइडल डेज को ऐसे ही पास कर दूं, मैं अपना टाइम वेस्ट करता चलूं. राइट वॉज द ड्राउजी आर द ब्लिसफुल क्लाउड ऑफ समर इंडोलेंस बी नम्ड माई आईज, वो कह रहे हैं कि दिन बहुत अच्छा था, ये समर का डे है, ये जैसे हम कहते हैं ना गर्मी के दिनों में जो सुस्ती आती है ना, वो कह रहे हैं वही गर्मी की जो सुस्ती है मुझे वही छाई हुई है इस वक्त, ठीक है, उसका सुरूर है मेरे ऊपर. एंड दिस आर इज ड्राउजी, दोपहर का वक्त है, दिन चढ़ा हुआ है लेकिन मुझे इस दोपहर के वक्त में, दिन के वक्त में भी समर की सुस्ती छा रही है, ठीक है, गर्मी की जो सुस्ती है वो मुझे मुझे एक सुरूर सा दे रही है और इसने मेरी आंखों को नम कर दिया है. जी, बी नम माई आईज का दोनों मीनिंग्स है. फर्स्ट मीनिंग तो ऑब्वियसली इसका यही है कि उनको एक सुस्ती चढ़ी है जिसकी वजह से वो लेथार्जिक हो रहे हैं और वो एक नैप ले रहे हैं. दूसरा इसका मीनिंग मेटाफोरिकल मीनिंग ये भी है कि वो बेसिकली लेथार्जिक पोजीशन में जा रहे हैं इंटेलेक्चुअली आल्सो, कि वो कुछ उनका कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा, वो कुछ टाइम से क्योंकि लिख नहीं रहे थे, अब काफ़ी टाइम से उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो कुछ लिख भी नहीं पा रहे हैं, इतने टाइम की इनएक्टिविटी के बाद उनको एक्टिविटी सूट नहीं कर रही है. माई पल्स ग्रू लेस एंड लेस, पेन हैड नो स्टिंग, वो कह रहे हैं ये जो एक सुस्ती जो, ये जो लेथार्जी जो मेरे ऊपर चढ़ रही है, ये जो सुरूर मेरे अंदर छा रहा है इस नींद का, इस इनएक्टिविटी का, ठीक है, इस स्लॉथ का, उसकी वजह से मेरी पल्स लेस एंड लेस होती जा रही है, मतलब मेरे अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में जाता जा रहा है, मेरी बॉडी रिलैक्स्ड मोड में जाती जा रही है और मुझे कोई पेन नहीं महसूस हो रहा. ये वही पीरियड है जब वो ऑलरेडी उनको फिजिकल एलिमेंट शुरू हो गई थी. वो कह रहे हैं इस सुरूर में तो मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है. एंड प्लेजर रीथ नो फ्लावर, ना मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है, ना मुझे सैडनेस फील हो रही है, ना मुझे प्लेजर का महसूस हो रहा है, ना मुझे पेन का महसूस हो रहा है, मतलब मैं बिल्कुल नम फील कर रहा हूँ, मैं शून्य पे हूँ उस वक्त, मैं जीरो इमोशन जीरो फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा हूँ. ओ व्हाई डिड ये नॉट मेल्ट एंड लीव माई सेंस अनहॉन्टेड क्वाइट फॉल बट नथिंगनेस, तो वो उनको बोल रहे हैं तुम क्यों नहीं मुझे छोड़ देते. तो ही वो जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, इस वक्त वो जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं. आप में से कितने लोगों ने स्लीप पैरालिसिस फील किया है? कभी कभी सोए हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम आधे जगे हुए आधे सोए हुए हैं, मगर हम उठने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ ने हमारे हाथ को जकड़ लिया, किसी चीज़ ने हमारे हाथ को पकड़ लिया और हम मूव नहीं कर पा रहे. हम उठने की कोशिश करते हैं पर हम मूव नहीं कर पाते हैं, स्लीप पैरालिसिस कहते हैं इसको. आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है. तो इन अ वे जॉन कीट्स भी यहाँ पे स्लीप पैरालाइज्ड फील कर रहे हैं. वो कह रहे हैं तुम ये जो 3 विजन्स मेरे सपने में आ रही हो, क्या तुम ही तो नहीं जिसकी वजह से मेरे अंदर ये नमनेस आ रही है, मेरे अंदर ये लेथार्जी आ रही है, ये स्टोइकनेस आ रही है, मैं स्लीप नम महसूस कर रहा हूँ, मैं स्लीप पैरालाइज्ड महसूस कर रहा हूँ,
मुझे कोई फीलिंग का एहसास नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम क्यों चली नहीं जाती, वाई डोंट यू लीव माई सेंसेस, चली जाओ मेरे सपनों से, ठीक है, मुझे छोड़ दो, मुझे इस तरीके से डराओ मत, मुझे इस नथिंगनेस में नहीं रहना है, ठीक है. इतने सारे लोगों ने किया हुआ है ना, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी स्कैरी फीलिंग. मंजू टीजीटी का नया बैच 17 से लॉन्च हो रहा है बेटा, तो अगर आपको एनरोल करना है आप अभी कर सकते हैं, ठीक है. हमारी वेबसाइट पे बैचेस ऑलरेडी लाइव है ये, तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं. और डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड Y542 बिकॉज इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 78% का, ठीक है. आफ्टर फुटबॉल और बॉक्सिंग मैचेस, ओके. सो हाँ, बेसिकली ये नमनेस जो है फील होती है ना, तो ये भी जॉन कीट्स उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन थ्री फिगर्स को, कि प्लीज़ मेरे सपनों से मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे अब इस नमनेस को और महसूस नहीं करना है. आई वॉन्ट टू कम बैक टू एक्टिविटी अगेन. तुम्हारी वजह से मैं शायद कम नहीं, मैं यू नो आई एम अनेबल टू कम बैक टू माई सेंसेस. थर्ड स्टैंजा में वो कह रहे हैं, अ थर्ड टाइम पास दे बाय एंड पासिंग टर्न ईच वन द फेस अ मोमेंट वाइल्स टू मी. तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो तीनों गोल गोल घूम के उनकी तरफ सपने में बार बार आ रहे हैं, जैसे कि एक ग्रीजर उनको रोटेट कर दिया हो. तो वो कह रहे हैं अब एक तीसरी बार एक स्फीयर घूमता है और तीसरी बार ये तीनों फिगर्स मेरे सामने वापस आती हैं, ईच वन द फेस अ मोमेंट वाइल्स टू मी. तो अब तक तो उनका फेस जो था वो साइडवेज था, लेकिन अब घूमते हुए कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए मैं उनके साथ आई टू आई होता हूँ. आई हैव एन आई टू आई कॉन्टैक्ट विद देम, आई कैन सी देम. Then faded and to follow them, I burned and ached for wings. फिर वो कह रहे हैं एकदम से वो फिर से मेरे से दूर चली जाती है और सपने में उनको फॉलो करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मेरे अंदर से पंख निकल आए, कि मैं उड़ने लगूँ, बिकॉज आई न्यू द थ्री. तो वो कह रहे हैं जब वो साइडवेज थे तब मैं उनको रिकोगनाइज नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही फॉर अ मोमेंट मैंने आई टू आई उन तीनों फिगर्स को देखा, मैंने इंस्टेंटली उनको रियलाइज, उनको रिकोगनाइज कर लिया और अब मैं उनको सीख करना चाहता हूँ. अब मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ क्योंकि मैं उनको पहचान गया हूँ. तो अपने सपनों में ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको उनके पीछे भाग सकूँ, मेरे अंदर से पंख निकलाएं ताकि मैं उड़ के उनको पकड़ लूँ. अब वो हमें बताएंगे कि ये तीनों फिगर्स कौन कौन सी हैं. द फर्स्ट वॉज अ फेयर मेड एंड लव हर नेम. द फर्स्ट वन इज अ फेयर मेड, अ ब्यूटिफुल मेड कॉल्ड लव. द सेकेंड वॉज एम्बिशन पेल ऑफ चीक. द सेकेंड वन इज पेल चीक्ड एम्बिशन. The third, and ever watchful with fatigued eye, ठीक है. Ambition जो है उसकी आंखें थकी हुई हैं, उसके cheeks pale हैं. The last whom I love the more of blame, ठीक है. The last one, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उसी को blame करता हूँ अपनी condition के लिए. She is demon poesy. The last whom I love more, the more of blame is heaped upon her. Maiden most unmeek. Meek होता है कोई इंसान जब होता है डरा हुआ. Unmeek होता है somebody who is, who's not fearful, who's not scared of anything. ठीक है, somebody who's brave and courageous and powerful. उसको कहते हैं unmeek. तो कह रहे हैं the last one is the most unmeek I knew to be my demon poesy. तो वो कह रहे हैं ये तीनों चीजें basically human nature के पास ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हम अपने पीछे दौड़वाती हैं. प्यार के चक्कर में हम भागते हैं, हम सक्सेस के पीछे, एम्बिशन के पीछे, पैसे के पीछे भागते हैं. एंड ये एज अ पोएट ये कह रहे हैं एक तीसरी चीज़ है पोइजी, यानी पोइट्री, आर्ट. सो ही इज सेइंग मेरे सामने प्यार है, पैसा, एम्बिशन है, पोइट्री, और मेरे लिए जो सबसे ख़तरनाक है इन सब में से वो है पोइट्री. पोइट्री इज़ माई डीमन. ये वो चीज़ है जिसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज द लाइन. मैं कॉमेंट्स एक बार पढ़ लेती हूँ आप लोगों के. अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं मैं आपको बता दूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं एनालाइज करती रहती हूँ. इसमें से देखो क्वेश्चन अगर आना है तो कैसे आएगा, वो बोल देंगे द फर्स्ट वॉज अ फेयर मेड, हु वॉज दैट मेड, सो द आंसर विल बी लव. फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेल ऑफ चीक किसको कहा गया है इस पोयम में, ओड टू इंडोलेंस में. पेल ऑफ चीक ever watchful with fatigued eye किसको कहा गया है, so answer will be ambition. या फिर ये पूछ सकते हैं कि इस poem में John Keats ने किसको अपना demon बुलाया है, किसके ऊपर ज़्यादा blame डाला है, किसको unmeek बुलाया है, so the answer will be poesy. तो इस तरीके से question आ सकता है, आप लोगों ने underline कर लेना है. आप लोगों को मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मेरी class में pen और paper लेके बैठा करो ताकि आप important points को highlight कर सको, लिख सको. तो आप लोग प्लीज़ ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखी हैं, ये जो फ्रेजेस हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं इन तीनों क्वालिटीज़ को, आप इनको नोट डाउन कर लो. ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं.
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली अगर हम NVSD SSSP या फिर झारखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें और ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आते हैं. UP PGT में भी आ सकता है, क्योंकि अगर RPSC में ऐसे क्वेश्चंस, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, UP PGT में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो आप लोगों ने इसी अकॉर्डिंग करना है. मैम PGT का भी न्यू बैच लॉन्च हो रहा है क्या, टेल मी. बिल्कुल पूनम, PGT का न्यू बैच हो तो रहा है. ये देखो DSSSP का PGT का न्यू बैच, UP PGT का न्यू बैच, ये सारे लॉन्च हो रहे हैं. इसके साथ साथ हम झारखंड का भी PGT लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना. ये हम सारे लॉन्च हो रहे हैं अब, तो इसीलिए इस वक्त लेना समझदारी रहेगी. ठीक है, मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम टू बाय द बैचेस बिकॉज वी आर सून लॉन्चिंग देम. ओके, हाँ जी. सो मैम कुक विद जन्नत, UP TGT में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है, UP TGT में नहीं आएंगे. DSSSP TGT में इसमें से क्वेश्चन आएंगे. DSSSP के सिलेबस में ये मेंशन है, यूपी में नहीं है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं दे फेडेड एंड फोर सूथ आई वॉन्टेड विंग्स. वो कह रहे हैं अब वो कहीं चले गए हैं, ये तीनों फिगर्स मेरी आंखों के सामने फेड अवे कर गई हैं, कहीं मुझसे दूर चली गई हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता ये मुझसे दूर जाए. आई वॉन्टेड माई विंग्स, आई वॉन्टेड टू फ्लाई ऑफ टू देम. ओ फॉली, वॉट इज लव एंड वेयर इज इट. फिर वो बोलेंगे प्यार क्या है. अब वो तीनों को क्या करके डिस्क्राइब करेंगे फिर से. फिर वो बोलेंगे प्यार क्या है. प्यार एक छलावा ही तो है, एक गलती तो है. इस दुनिया में रहते हुए हमें लगता है हमें ट्रू लव मिलेगा, लेकिन हमें ट्रू लव कभी मिलता नहीं है. तो प्यार एक गलती है. फिर वो बोलेंगे एंड फॉर दैट पुअर एम्बिशन इट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ मैंस लिटिल हार्ट शॉर्ट फीवर फिट. और वो कह रहे हैं एम्बिशन क्या है, एक छोटा सा दौरा ही तो है. एम्बिशन, एम्बिशियस जो लोग होते हैं उनको एक दौरा पड़ता है, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, फिर वो उस चीज़ के पीछे पागल होकर उसके पीछे पड़ जाएंगे. फिर जब उनको वो अचीव हो जाएगी, फिर उनको दौरा पड़ेगा अगली चीज़ का, फिर वो अगली चीज़ के पीछे भागेंगे. ठीक है, या तो एम्बिशन ऐसा हो ना कि अपनी लाइफ में कुछ आपने एक बड़ा एम्बिशन गोल रखा है, आप उसको अचीव करके सैटिस्फाइड हो जाओ. इंसान तो कभी सैटिस्फाइड नहीं होता, वो तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार पे कूदता रहता है. तो वो उसको क्या बोल रहे हैं, एक शॉर्ट फीवर फिट. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है कि वो अपनी पोयम में किसको शॉर्ट फीवर फिट बोल रहे हैं, एम्बिशन को. कि इंसान को एक दौरा सा पड़ता है, एक बुखार सा चढ़ता है उसके दिमाग में, जिसमें वो एम्बिशियस हो जाता है, फिर वो एक दूसरी चीज के पीछे एम्बिशियस हो जाता है. फिर वो पोइट्री पे आ रहे हैं फाइनली. पोइट्री क्या है, पोइजी क्या है. फॉर पोइजी नो, शी हैज नॉट अ जॉय एट लीस्ट फॉर मी, सो स्वीट एज ड्राउजी नून्स एंड इवनिंग स्टीप्ड इन हनीड इंडोलेंस. तो एक वक्त के लिए तो वो पोइट्री को रिजेक्ट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं पोइट्री जो है मेरे लिए, मेरा पोइट्री के साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप है. जितना ये मुझे पोइटिक इंस्पिरेशन देती है, इंस्पिरेशन देती है, मोटिवेशन देती है, उतना ही ये मुझे टॉर्मेंट भी करती है, मुझे परेशान भी करती है. पोइट्री कभी कभी मुझे इतना परेशान कर देती है मेरी लाइफ में कि मुझे लगता है कि मुझे तो पोइट्री लिखनी ही नहीं चाहिए, इससे तो अच्छा है मैं सोया ही रहूं, मैं कभी अपनी नींद से जागू ही ना. इन ड्राउजी नून्स में मैं अपनी लेथार्जी के साथ रहूं, वो बेटर है रादर देन स्टेइंग विद पोइट्री. ओ फॉर एन एज सो शेल्टर्ड फ्रॉम एनॉय दैट आई मे नेवर नो हाउ चेंज द मून्स ओ हियर द वॉइस ऑफ बिजी कॉमन सेंस. वो कह रहा है इट्स बेटर टू स्टे इन दिस स्टेट वेर आई एम रिलैक्सिंग चिलिंग वेर आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग. आई डोंट वॉन्ट टू नो हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग. मुझे नहीं जानना हाउ द मून इज चेंजिंग इट्स फेजेस. क्या मतलब है इस लाइन्स का, इन लाइन्स का मतलब है कि मुझे नहीं देखना कि आज मून अपने क्रिसेंट फेज में है, फिर हाफ मून फेज में है, फिर फुल मून फेज में है. ही सेज मतलब मुझे नहीं देखना दुनिया कैसे चल रही है, डेज कैसे आगे बढ़ रहे हैं. फॉर मी द ओनली प्लेजर राइट नाउ फील्स इन लाइंग डाउन ऑन अ स्वीट समर आफ्टरनून एंड टेकिंग माई आफ्टरनून नैप. दैट इज ऑल दैट आई केयर अबाउट राइट नाउ. जंग बहादुर सिंह जी बिल्कुल, अभी हम सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. सो वील डेफिनेटली कम टू मिल्टन एंड जॉन गाल्सवर्थी. ठीक है, डेफिनेटली. एंड वंस मोर कम दे बाय अलास वेयर फॉर माई स्लीप हैड बीन एम्ब्रॉयडर्ड विद डिम ड्रीम्स. वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो मेरे सपने में आए. माई सोल हैड बीन अ लॉन स्प्रिंकल्ड ओवर. अब इस लाइन में, थर्ड लाइन में आप देखोगे वो अपनी सोल को कंपेयर करते हैं विद अ लॉन. ठीक है, अपनी सोल को एक लॉन से कंपेयर करते हैं. और अब वो जिस तरीके से एक लॉन में पानी की बौछारें आप डालते हो, आप पानी स्प्रिंकल करते हो सो दैट द ग्रास ग्रोज एंड द प्लांट ग्रोज एंड द फ्लावर्स ब्लूम. तो वो सारे वो जो यू नो जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हम लॉन के साथ एसोसिएट करते हैं, अब वो सारे मेटाफोरिकली अपनी सोल के साथ करेंगे. तो वो बोलेंगे माई सोल इज लाइक अ लॉन स्प्रिंकल्ड ओवर विद वाटर एंड फ्लावर्स स्टारिंग शेड्स एंड बैफल्ड बीम्स. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो मेरी स्वीट समर आफ्टरनून नैप्स हैं,
इसमें जो है मैं रिलैक्स्ड फील करता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ इस फेज को, इस ऐसे आफ्टरनून लैब्स लेते हुए मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है बेसिकली, ठीक है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में फूल से खिल उठते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं मुझे, मुझे दुनिया ब्राइट और कलरफुल दिख रही है. द मॉर्न वॉज क्लाउडेड बट नो शाफ फेल, दो इन हर लिड्स हंग द स्वीट टीयर्स ऑफ मे. तो वो कह रहे हैं कि मई के महीने में जैसे बादल छा जाते हैं और बारिश आने वाली होती है, लेकिन फिर एकदम से बारिश आती नहीं है, रुक सी जाती है. वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जब मैं सोया हुआ हूँ, फॉर अ मोमेंट आई रिमेंबर पोइजी, मुझे पोइट्री की याद तो आती है, मुझे ये जो प्रोसेस है ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन मैं इसको याद तो करता हूँ, लेकिन सडनली मैं वापस अपनी लेथार्जी में चला जाता हूँ, मैं वापस अपनी स्लीप में ल्योर बैक कर जाता हूँ और मैं पोइट्री नहीं लिख पाता हूँ. द ओपन केसमेंट प्रेस्ड अ न्यू लीव्ड वाइन लेट इन द बडिंग वार्म्थ एंड थ्रॉस्टल ले. वो कह रहे हैं कभी कभी मैं होप भी करता हूँ कि मैं जब मैं सोया हुआ हूँ तो मैं एक बंद तिजोरी की तरह हूँ, ठीक है, मैं एक बंद संदूक की तरह हूँ, मैं खुल जाऊँ, मेरे अंदर जो है समर की लाइट फॉल करे, यानी कि मेरे अंदर पोइटिक इंस्पिरेशन हो, मेरे अंदर पोइटिक म्यूजिस पोइट्री इंस्पायर करे, इन्वोक करे. मेरा भी मन करता है कि मैं किसी तरीके का पोइटिक आउटपुट दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है. मेरी जो सोल है मुझे बार बार इस स्लीप, इस स्लम्बर, इन एक्टिविटी की तरफ लेके जा रही है. ओ शैडोज, इट वॉज अ टाइम टू बिड फेयरवेल, अपॉन योर स्कर्ट्स हैड फॉलन नो टीयर्स ऑफ माइंड. तो वो इन तीनों शैडोज़ को बोल रहे हैं कि मैं इस वक्त एक ऐसी स्टेट में हूँ, एक ऐसी ट्रांस लाइक स्टेट में हूँ अपनी लाइफ में, जहाँ ना तो मुझे लव चाहिए, ना ही मैं एम्बिशन के पीछे भाग रहा हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ पोइजी मेरे पीछे भागे, ना मैं पोइजी के पीछे भागूंगा. यानी इस वक्त तो मैं पोइटिक क्रिएशन के लिए भी रेडी नहीं हूँ. अपॉन योर स्कर्ट्स हैड फॉलन नो टीयर्स ऑफ माइंड, मतलब आई ओ यू नथिंग, मैं इस वक्त तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो. सो ये थ्री गोस एडियू, फाइनली वो उनको क्या बोलेंगे, बाय बाय, फेयरवेल, गुड बाय, मैं नहीं चाहता तुम्हें अपने सपने में देखना. ये कैन नॉट रेज माई हेड कूल बेडेड इन द फ्लारी ग्रास. वो कह रहे हैं इस वक्त मैं अपने नैप के स्टेट में हूँ, मैं लेथार्जिक स्टेट में हूँ, मैं रेस्ट की पोजिशन में हूँ. इस रेस्ट की पोजिशन में मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है. अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे किसी तरीके से कोई झांसा देके, दिलासा देके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, मुझे इस इन एक्टिविटी की स्टेट से उठा के एक्टिविटी की स्टेट में ले आओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है. फॉर आई वुड नॉट बी डाइटेड विद प्रेज अ पेट लैम्प इन अ सेंटिमेंटल फार्स. वो कह रहे हैं कि मुझे तुम अपने इस सेंटिमेंटल ड्रामे में मत घसीटो, मैं इस बहकावे में नहीं आऊँगा, मुझे तुम्हारी तारीफों की ज़रूरत नहीं है. तुम मुझे कहना चाहती हो कि मैं अगर मैं अपनी लाइफ में लव अचीव कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, अगर मैं अपनी लाइफ को एम्बिशियस बना लूँगा तो उससे मुझे प्रेज मिलेगी, अगर मैं अच्छी पोइट्री लिखूँगा तो उससे मेरे को दुनिया भर में एक्यूलेट्स मिलेंगे. वो कह रहे हैं मुझे इन प्रेजेस का कोई झांसा मत दो, ठीक है, मैं तुम्हारे सेंटिमेंटल ड्रामे का पार्ट नहीं बन सकता, तुम मुझे इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो. फेड सॉफ्टली फ्रॉम माई आईज एंड बी वंस मोर इन मास्क लाइक फिगर्स ऑन द ड्रीमी अर्न. तुम जिस एंशियंट अर्न से उठ के आई हो तुम वापस जाके उसमें समा जाओ, मेरे सपनों में मत आओ. तुम जिस ग्रीक स्कल्पचर का पार्ट हो तुम वापस उस स्कल्पचर का जाके पार्ट बन जाओ, तुम मेरे सपनों में आके इस तरीके से मुझे हॉन्ट करने की कोशिश मत करो. फेयरवेल, चली जाओ यहाँ से, गुड बाय. आई येट हैव विजन्स फॉर द नाइट. अभी मैंने रात तक सोना है, मुझे रात को भी सोना है, मुझे और भी बहुत सपने देखने हैं, मुझे और भी बहुत सी विजन्स देखने हैं, तुम मेरे विजन्स को ऐसे प्री ऑक्यूपाई मत करो. एंड फॉर द डे फेंट विजन्स देयर इज स्टोर, ठीक है, और अभी तो शाम भी पड़ी है, अभी तो दोपहर है, मैंने रात के सपनों की तैयारी कर ली है, और अभी तो शाम भी तो आएगी, अभी ये दिन भी तो ढलेगा, उसके लिए भी बहुत सी विजन्स हैं इन स्टोर, मतलब अभी और बहुत से सपने हैं जो मैंने शाम को भी देखने हैं, फिर मैंने बहुत से सपने रात को भी देखने हैं, तुम आके मेरा टाइम मत वेस्ट करो. वैनिश ये फैंटम्स, वो अपने ड्रीम्स को बोल रहे हैं, चले जाओ यहाँ से, गायब हो जाओ मेरी आंखों के सामने से. फ्रॉम माई आइडल्स ब्राइट इन टू द क्लाउड्स एंड नेवर मोर रिटर्न, ठीक है, जहाँ से आई हो वापस वहाँ चले जाओ, मुझे मेरी आइडलनेस के साथ, मेरी लेथार्जी के साथ, मेरी इनएक्टिविटी के साथ जीने दो. आई एम हैप्पी इन माई इंडोलेंस, आई डोंट नीड यू एनी मोर. सो ऑन दिस नोट ही विल एंड हिज पोयम, ठीक है. फटाफट से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो कैसी लगी आपको पोयम. हाँ जी,
नाजरीन पीजीटी की बैच दिखाइए। नाजरीन पीजीटी का बैच हमारा नया शुरू हो रहा है, हम लोगों ने 17 से प्लान किया है इसको, तो जितने भी लोग एनरोल करना चाहते हैं मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। पहले तो मुझे एक बार ये बताओ, मैं आऊँगी बैच पे आऊँगी, मैंने कुछ लोगों के कॉमेंट्स देखे हैं अभी जो लोग बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ला बेल डैम सैंस मर्सी, आई एक बार चेक मधु, आई चेक एक बार पेपर में इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, अगर इसके अंदर से लाइन्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वी कैन डू देम ऑल्सो। एंड नाजरीन आई हैव नो टेलीग्राम ग्रुप, आई हैड वन अर्लियर, इट इज़ बीन डिलीटेड, सो उसका कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, ओके। चलो, मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स बैचेस के रिगार्डिंग है, पहले मुझे फटाफट से ये बता दो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, मजा आया, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा, दैट्स ग्रेट, चलो दैट्स ग्रेट, ग्रेट गाइज। चलो ऐसे ही रोज जितने लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको बता दूं, ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ रोज 4 बजे कवर करती हूँ। जितने लोग मेरे पेड बैचेस में उनको डबल बेनिफिट है क्योंकि उनके साथ पेपर ओरिएंटेड जो एग्जैक्ट एक मटेरियल जो मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ वो हाईली पेपर ओरिएंटेड है, उसमें वो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हैं जो डायरेक्टली पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको यहाँ वहाँ से रैंडम स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ के उसमें से वो पेपर रेलिवेंट मटीरियल लेके अपनी तैयारी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं टूवर्ड्स अ सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। एंड दे कैन सप्लीमेंट दीज यूट्यूब क्लासेस ऑफ माइंड फॉर एक्स्ट्रा स्टडी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो इस तरीके से हो कि मेरे साथ दिन में 2 घंटे के एंगेजमेंट में आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिल जाए जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाए, फटाफट से मोटो भी बता दो क्लास में अपना क्या है, क्या मोटो है हमारी क्लास का, सिलेक्शन 2022। चाहे आप झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एनवीएस के लिए केवीएस की पोजिशन आ जाएगी उसके लिए, यूपी के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है, हमारा मोटो सिर्फ एक है, सिलेक्शन, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि YouTube में हम चीज़ों को अच्छे से कवर कर तो रहे हैं, बट माई डियर फ्रेंड्स दिस इज ओनली 20-30% ऑफ द रियल सिलेबस, ये तो सिलेबस का एक पार्ट है, लेकिन पेपर के हिसाब से तैयारी करना जिसको कहते हैं उसको सही मायने में हम अपने पेड बैचेस में ही कर पाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी जो है यहाँ पर वो पेड बैचेस में इंटरेस्टेड है, आप में से कोई भी अगर अपनी तैयारी को कम से कम टाइम में आप जो है सिलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने सारे नए जो बैचेस हैं यहाँ आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाके टीचिंग में जाओगे तो टीचिंग में देखो DSSSP का हमारा जो है नया बैच है वो इन लाइन है इंग्लिश में। उसके अलावा आप अगर जाओगे एनवीएस में चले जाएंगे, एनवीएस के हमारे नए यूपी पीजीटी पीजीटी में चले जाएंगे, वेबसाइट को क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक वेबसाइट क्रैश कर गई है फॉर अ मोमेंट, आई थिंक बहुत आ गया। तो यूपी का टीजीटी पीजीटी के हम लोगों ने जो है नए बैचेस हमारे इंग्लिश के ये भी साथ में लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। तो आप में से जितने लोगों को लगता है कि आप बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम ना बीतता जा रहा है, जितना लेट आप डिसीजन ले रहे हो अपना सिलेक्शन का या कोर्स को बाय करने का, उतना आप अपने आप का नुकसान करा रहे हो, सीधी सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आप थोड़ा लेट होते जा रहे हो उस तरफ। लेकिन हाँ, अगर आपकी तैयारी जो है पेपर ओरिएंटेड मटेरियल से हो रही है, आपको पता है कि भाई ये मटेरियल है, आप अपनी मैम पे ट्रस्ट कर रहे हो कि भाई मैम ने हमें जो है यहाँ वहाँ से ढूंढ के पेपर ओरिएंटेड मटेरियल ला के कंपाइल करके दे दिया है, हम इसमें से पढ़ लेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी, ठीक है, उतना ट्रस्ट अगर आप शो कर सकते हो तो वो फेथ ऑफ लीप लेना इस वक्त जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अदरवाइज तो देखो कुछ भी नहीं होगा, सिलेक्शन तो होनी है, कुछ ना कुछ लोगों की तो होनी है, आपकी नहीं तो किसी और की हो जाएगी, उनकी नहीं तो किसी और की हो जाएगी। तो अगर किसी की तो सिलेक्शन होनी है, इट्स बेटर है कि आपकी हो, और आपकी सिलेक्शन होनी है तो टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप अपने चांसेस को उतना ही कम करते जा रहे हो। फिर अपने चांसेस को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप जो है हमारे साथ बने रहें, रोज मेरे साथ 4 बजे जुड़िए मेरे यूट्यूब पेज पे, और अगर आप श्योर शॉर्ट अपने सिलेक्शन की तरफ एक डायरेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमारे बैचेस के बारे में जरूर सोचिए। सब नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, झारखंड का पीजीटी, DSSSP का टीजीटी, एनवीएस का पीजीटी, अलॉन्ग विद न्यू बैचेस फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही बैच में
सारे सब्जेक्ट सारे कोर्सेज मिल जाएं, साथ में ही आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिले, क्योंकि बाकी बैचेस में ना टेस्ट सीरीज नहीं है इंडिविजुअल बैचेस में। आप चाहते हो एक ऐसा बैच खरीद लूं मैं जिससे मेरा उसमें टेस्ट सीरीज का भी जुगाड़ हो जाए और मेरे को एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिले, तो आपको हमारे अडा 24/7 पब्लिकेशन की फ्री ई बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है। वो उसके लिए आपको जो है टीचिंग का महापैक बाय करना है। टीचिंग का महापैक जो है ना, देखिए ये है तो एट कॉस्टेड एट 15,000, पर मेरे पास ये डिस्काउंट कूपन कोड आप इस पे बिल्कुल लगा सकते हो सीधा सीधा 542। ये कूपन कोड लगाते ही आपको जो है 11,000 का डिस्काउंट, 78% का सीधा डिस्काउंट मिलता है, और ये 15,000 का कोर्स सिर्फ 3,300 रुपीज़ का, सिर्फ 3,300 रुपये का आपको पड़ जाता है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अफोर्डेबल इस वक्त इंडिया में कोई और ऐसा इंस्टीट्यूट है या वेबसाइट है जो आपको इस वक्त इतने अफोर्डेबल कॉस्ट पे कोर्सेज जो है प्रोवाइड कर रही है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, देखो सिलेक्शन किसी ना किसी का होना है, किसी का तो होना है तो इससे बेहतर है कि आपका ही हो जाए, और ये लीप ऑफ फेथ लेना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप ये लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे तो आप क्या करोगे, आप घर बैठ के खुद पढ़ाई करने की कोशिश करोगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट फॉर समबडी हु इज गिविंग अ पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको क्या पता है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, आपको पता है पेपर का पैटर्न क्या है, नहीं पता ना। ये चीज़ें आपको एक प्रोफेशनल इंसान ही बता सकता है जिसके हाथों से और कितने लोगों का सिलेक्शन पहले हो चुका है, ठीक है। मैं पहली बार ये बैचेस नहीं टीच कर रही हूँ, मेरे हाथों से बहुत लोगों का सिलेक्शन पहले भी हो चुका है। सो यू बेटर बी द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज दैट वी आर राइटिंग, समबडी विल बिकम सक्सेसफुल, इट बेटर बी यू, राइट। सो इसी मैसेज के साथ जो है मैं आज की क्लास को जो है लीव करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग विद मी। मैं आप लोगों से मिलती रहूंगी यहीं पे, रोज 4 बजे आप लोगों से मिलती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज, जितने भी लोग बैच आज बाय करने का सोच रहे हैं, मेरा कोड मत भूलना Y542, इससे डिस्काउंट मिलता है आपको 78% का। फिर से बता रही हूँ, महापैक लेना समझदार डिसीजन रहेगा क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज ई बुक्स भी मिलती है। इंडिविजुअल कोर्स आपको सिर्फ 1,000 रुपये सस्ता तो मिल रहा है, लेकिन फिर टेस्ट सीरीज लेने के चक्कर में आप लोग फिर से कहीं और 3,000-4,000 रुपये फूकाओगे। उससे बेटर है 1,000 रुपये एक्स्ट्रा यहीं पे दे दो और टेस्ट सीरीज भी ले लो, और एक साल के लिए सारे कोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स दैट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं मिलूंगी आपसे फिर से 4 बजे यहीं पे। आई एम प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी, टेक केयर, बाय बाय।